हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएसक्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी 3D ड्राइंग स्टार्ट हो चुकी है। ऑटोकैड के अंदर 3D को स्टार्ट कर चुके हैं हम। यहाँ पर स्टार्ट करते वक्त आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक्सट्रूड टूल को। एक्सट्रूड टूल क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से हमारे ऑटोकैड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स है, इस सभी के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन यहाँ पर। तो देखिए, बेसिकली बात की जाए यहाँ पर एक्सट्रूड टूल का मतलब क्या है यहाँ पर। तो देखिए, आप यहाँ पर कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, जैसे कि बात करना चाहूँ, देखिए अभी तक आपने देखा वो सारे क्या थे, 3D ऑब्जेक्ट्स थे। 3D ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमने क्या बनाई थी, ड्राइंग बनाई थी, जिसके अंदर हमने बॉक्स को देखा, सिलेंडर को देखा, हमने कॉन को देखा, हमने पिरामिड्स को देखा, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को देखा। लेकिन ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर काफी ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कि हमारे पास इनसे ऑब्जेक्ट से मिलकर नहीं बनते हैं। तब हम क्या करते हैं, कोई हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी रेफरेंस लेते हुए हम यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो देखिए जाए, बात की जाए यहाँ पर, तो एक्सट्रूड टूल्स आपके लिए उस समय हेल्प करता है जब आप यहाँ पर किसी भी 2D ऑब्जेक्ट्स को, यस यहाँ पर किसी भी 2D ऑब्जेक्ट को 3D ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक्सट्रूड टूल का यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी आपके पास 2D टूल्स है उसको 3D टूल्स में आप कन्वर्ट कीजिए। आपके पास चाहे लाइन हो, चाहे सर्कुलर शेप हो, चाहे आर्क हो या कुछ भी लाइन हो, आप उसे क्या कर सकते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड कर सकते हैं। देखिए बेसिकली बात की जाए, एक्सट्रूड का मतलब ये यहाँ पर क्या है, किसी चीज को बढ़ाना है। और जैसे की बात करें यहाँ पर कि आपके पास कोई भी 2D ऑब्जेक्ट्स है, यस 2D ऑब्जेक्ट्स है, उसको आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट कमांड की बात की जाए यहाँ पर, इसका शॉर्टकट कमांड है XT एंटर। जैसे आप यहाँ पर XT एंटर करेंगे, एक्सट्रूड कमांड इनेबल हो जाएगा। एक्सट्रूड कमांड इनेबल होने के बाद आप यहाँ पर सिंपल सा वर्क कर सकते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सट्रूड हो जाएगा। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि एक्सट्रूड कमांड किस तरह से यहाँ पर वर्क करता है। चलते हैं ऑटोकैड के अंदर, ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि एक्सट्रूड कमांड किस तरह से वर्क करता है और इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो चले ऑटोकैड के अंदर, तो हम ऑटोकैड के अंदर आ चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर आने के बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर मैं यहाँ पर इसकी जो ग्रिड है उसको हटा देता हूँ और जो इसका यहाँ पर मोड है वो यहाँ पर चेंज कर लेते हैं सिंपल सा। तो अभी हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। अब बात करते हैं यहाँ पे 2D वेवफॉर्म की जगह यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, रियलिस्टिक्स को यूज करेंगे और इसकी यूनिट को डिसाइड कर लेते हैं। तो यूनिट के लिए UN एंटर किया यहाँ पर। UN एंटर करने के बाद अब जरा बात करते हैं यहाँ पर डेसिमल। डेसिमल के बाद में यहाँ पर 0.0 कर दिया है और यहाँ पर कर दिया है सेंटीमीटर और ओके कर दिया। क्लियर, ओके। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर, देखिए सिंपल सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बारे में। तो देखिए, हमने जब मॉल्डिंग को स्टार्ट किया था तो मॉल्डिंग के अंदर हमने बॉक्स को देखा, सिलेंडर को देखा, कॉन को देखा, स्पेयर को देखा, पिरामिड और यहाँ पर टॉरस को देखा। बट बात की जाए यहाँ पर, तो यहाँ से इन सभी ऑब्जेक्ट से मिलकर हमें जो ऑब्जेक्ट बनाना है वो यहाँ पे फुलफिल नहीं होता है। बट यहाँ पर बात करनी चाहिए यहाँ पर कि हमारे पास ऐसा एक 2D ऑब्जेक्ट है जिसको हमें 3D में कन्वर्ट करना है, तो हम यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि बात करना चाहूँ, सिंपल सा मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ। जैसे मैंने एक सिंपल सा सर्कल को ड्रॉ किया और मुझे यहाँ पर सिलेंडर की जरूरत है। देखिए सिलेंडर हम बाय डिफॉल्ट बना सकते हैं, बट मुझे एक इस तरह से सिलेंडर की जरूरत है जो यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मैं एक्सट्रूड कमांड का यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। देखिए सिंपल सा यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का यूज करेंगे। एक्सट्रूड कमांड के लिए EXT एंटर कर सकते हैं या फिर सिंपल सा इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या करना है, सिंपल सा EXT एंटर करना है। EXT एंटर करते ही यहाँ पर एक्सट्रूड दिखेगा, एनेबल करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा आपके पास जो भी आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करें वो ऑब्जेक्ट यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप उसे एक्सट्रूड कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है, आप कमांड विंडो में देख रहे हैं इसके पास यहाँ पर मोड ऑप्शन है। मोड ऑप्शन के बारे में भी देखेंगे कि मोड ऑप्शन होता क्या है यहाँ पर। पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद मुझे देना है एंटरप्रेस। एंटरप्रेस करते देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। सॉलिड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी हाइट क्या है, वो आपको यहाँ पर हाइट देनी पड़ेगी। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इन सभी ऑप्शन को वन बाय वन देखने वाले। तो बेसिकली बात करता हूँ इसकी हाइट के बारे में। तो ये इसकी हाइट बना दी। बट आप कहेंगे कि यहाँ पर ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर तो हम बाय डिफॉल्ट बना सकते हैं, बट यहाँ पर सिलेंडर के अलावा भी बहुत सारी चीजें बन सकती है। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दू, देखिए यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल के अलावा मैंने यहाँ पर लाइन डायग्राम के थ्रू, यस लाइन के थ्रू यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटी सी लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद देखिए एक्सट्रूड करके आपको समझाऊंगा कि किस तरह से बन सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एक और डायग्राम बना रहा हूँ सिंपल से रिलेटेड। ओके, अब यहाँ पर ऑर्थो को ऑन कर देते हैं, F8 के थ्रू ऑर्थो को ऑन कर देते हैं ताकि सारे जो डायग्राम है वो एक ही प्लेन में बने यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ओके, एंटर प्रेस कर दिया यहाँ पर और देखा जाए तो ये सारे का सारा क्या है, एक ही प्लेन में आपको शो हो रहा है। देखिए इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप ऑर्थो मोड को इनेबल करते ही लाइन कमांड को यूज करना है ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही प्लेन में बने यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का यूज करेंगे हम यहाँ पर सिंपल सा। पहले मैं यहाँ पर इसको ट्रिम कर देता हूँ, सिंपल सा ट्रिम कमांड लेता हूँ। तो ट्रिम कमांड का यूज किया यहाँ पर और जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है उसको यहाँ पर ट्रिम कर लेते हैं। यस, बात करें यहाँ पर छोटी सी लाइन है इसको ट्रिम कर लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबको ऑल सिलेक्ट कर लेता हूँ सिंपल सा। यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे ज्वाइन कमांड का यूज करते हुए इन सभी को ज्वाइन कर देते हैं। क्लियर, देखिए ज्वाइन क्यों किया गया इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट बाद समझाऊंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पर सिंपल से ज्वाइन कर लीजिए। अब सिंपल से मुझे क्या करना है, एक्सट्रूड कमांड का यूज करना है। एक्सट्रूड कमांड का यूज करते हुए इसको सेलेक्ट करना है और सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते हुए फिर आप जिसको यहाँ पर जितनी इसको हाइट देना चाहते हैं वो उसकी इसका हाइट दे सकते हैं। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा कि एक्सट्रूड कमांड का किस तरह से यूज किया जा सकता है।
अब जरा बात समझते हैं यहाँ पर कि मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कमांड को क्यों इस्तेमाल किया है। इन सभी जो डायग्राम बनाया था, जो भी मैंने अभी ऑब्जेक्ट बनाया था, उनको यहाँ पर ज्वाइन क्यों किया है, उसका पीछे रीजन क्या है। ठीक है, इसके पीछे रीजन बताना चाहूंगा यहाँ पर कि यदि आप यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड को ज्वाइन नहीं करते हैं तब आपके पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनता है वो यहाँ पर एक आपके पास सर्फेस प्लेन बनता है। बट जब आप इसे यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं तब आपके पास यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनता है वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनता है। देखिए किस तरह से बनता है उसके बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो सिंपल सा पहले मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, लाइन कमांड का यूज करते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। और एक बार रेक्टेंगल को ड्रॉ देखिए, यहाँ पर लाइन कमांड के थ्रू एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल सा, क्लियर। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लिया है। ओके, और एंटर प्रेस करता हूँ। एक तो रेक्टेंगल हमारे पास ये हो चुका है, दूसरे रेक्टेंगल की मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर। तो सिंपल सा REC रेक्टेंगल का यूज करूंगा और रेक्टेंगल कमांड का यूज करते हुए एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट दिया और यहाँ पर मैंने सेकंड कॉर्नर पॉइंट दिया, इस तरह से रेक्टेंगल बना लिया। देखिए दोनों रेक्टेंगल के बीच में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में समझाना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए फर्स्ट जो रेक्टेंगल आपसे जो बन रहा है वो यहाँ पर क्या है, आपके पास पॉलीलाइंस है, इसके अंदर जितने भी आपके पास लाइंस यूज की गई है वो सारी की सारी आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक क्लोज स्ट्रक्चर है यहाँ पर, या फिर बोला जाए यहाँ पर एक बाउंड्रीज है। यस, बात की जाए यहाँ पर दूसरे रेक्टेंगल के अंदर, तो दूसरे रेक्टेंगल के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सारी की सारी क्या है, लाइंस यूज की गई है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को यहाँ पर एक्सट्रूड कर रहा हूँ। तो दोनों को एक्सट्रूड करने पर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जब मैंने यहाँ पर सिंपल सा देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, तो यहाँ पर जब मैं यहाँ पर लाइन टूल्स को यूज कर रहा हूँ तब यहाँ पर जो आपके पास एक्सट्रूड हो रहा है वो एक सिंपल सा एक प्लेन सर्फेस एक्सट्रूड हो रहा है। देखिए जरा एंट्री करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ओनली फॉर क्या हो रहा है, सर्फेस एक्सप्लोर्ड हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर हम पॉलीलाइन को एक्सट्रूड करते हैं, सिंपल था, ठीक है, EXT एंटर किया यहाँ पर, EXT एंटर करने के बाद मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, और उसके बाद मुझे देखिए यहाँ पर एक्सट्रूड करना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एक्सट्रूड कर रहे हैं इसको, देखिए EXT एंटर किया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, जैसे कि मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस किया यहाँ पर, सिंपल सा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, सॉलिड एंटर हो रहा है। तो आई होप सो समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि किस तरह से यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड वर्क करता है। देखिए यदि आपके पास सिंगल सिंगल यहाँ पर बाउंड्री कमांड के रूप में नहीं है, मतलब आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पूरी तरह से एक जॉइंटेड ऑब्जेक्ट नहीं है, आपके पास 2D ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिलने वाला है, एक सरफेस मिलने वाला है। और यदि आपके पास जॉइंटेड कमांड है, यदि आपके पास सारा जॉइंटेड ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपके पास जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो यहाँ पर सॉलिड ऑब्जेक्ट बनने वाला है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा हो यहाँ पर किस तरह से एक्सट्रूड कमांड को यूज करना है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड के अंदर और कौन कौन से टूल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल सा REC रेक्टेंगल का यूज करूंगा और रेक्टेंगल कमांड के थ्रू यहाँ से एक सिंपल सा रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, अब जरा बात करते हैं, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल से मैं एक्सट्रूड कमांड को यूज करूंगा। एक्सट्रूड कमांड को यूज करते ही यहाँ पे मुझे पूछा जाएगा यहाँ पर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स और यहाँ पर मोड ऑप्शन देखा जाएगा। तो मोड के लिए सिंपल सा MO एंटर करना है, MO एंटर करते ही आपके पास मोड आ जाएगा। देखिए मोड आने पर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो मोड है वो आपको पास सॉलिड लेना है या सर्फेस लेना है। देखिए हमने एक तो तरीका देखा कि आपके पास यदि कोई ऑब्जेक्ट 2D में है और 2D ऑब्जेक्ट आपके पास जॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, एक बाउंड्री ऑब्जेक्ट नहीं है, तब आपके पास वहां पर क्या हो रहा है, सर्फेस मिल रहा है। लेकिन यदि आपके पास 2D में जॉइंट ऑब्जेक्ट है और उसके बाद में भी आप यहाँ पर सरफेस ऑब्जेक्ट को चूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सा सरफेस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सरफेस के ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है, तब भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो आपके पास बाउंड्री होगा या जॉइंट्स होगा, उसके बावजूद भी आपके पास क्या मिलने वाला है, सर्फेस ही मिलने वाला है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा कि इस तरह से यहाँ पर वर्किंग हो रही है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पे और ऑब्जेक्ट के बारे में, तो सिंपल सा REC एंटर करते हैं, रेक्टेंगल, यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल और बना लेता हूँ यहाँ पर सिंपल सा। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर फिर से एक्सट्रूड कमांड की, EXT एंटर किया, एक्सट्रूड कमांड के लिए, उसके बाद मैंने देखिए यहाँ पर मोड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मोड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास सॉलिड मोड है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर सिंपल सा सिलेक्ट कर लिया, एंटर प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर बात की जा रही है सबसे पहले डायरेक्शन की, उसके बाद भी जा रही है पाथ के बारे में, उसके बाद है आपके पास टेपर एंगल के बारे में, तीनों के बारे में वन बाय वन समझते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर डायरेक्शन की, देखिए आप यहाँ पर हाइट देना चाहेंगे वो आप हाइट दे सकते हैं, बट यहाँ पे बात करते हैं डायरेक्शन के लिए, तो डायरेक्शन के लिए सिंपल सा डी एंटर करना पड़ेगा। देखिए डी एंटर करने के बाद आपके पास जो स्टार्टिंग डायरेक्शन है और आपका जो एंडिंग डायरेक्शन है वो यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब आपके पास जो एक्सट्रूड करना है, जैसे आपने यहाँ पर अपवर्ड एक्सट्रूड करना है या फिर आपके पास डाउनवर्ड एक्सट्रूड करना है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दिया, उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपके पास एंडिंग पॉइंट कहाँ देना चाहते हैं, जैसे अपवर्ड डाउनवर्ड या एक्सट्रूड किधर भी आप जहां करना चाहते हैं वहां पर आप इसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपल सा और तो हटा देता हूँ और उसके बाद इस लाइन के अंदर डायरेक्शन के अंदर कर देता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास जिस डायरेक्शन के अंदर आप करेंगे उस डायरेक्शन के अनुसार आपके पास क्या होगा, एक्सट्रूड हो जाएगा। क्लियर, आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए EXT एंटर करना है, सिंपल सा एंटर करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया, उसके बाद बात करते हैं डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन के लिए डी एंटर किया यहाँ पर। देखिए मैंने स्टार्टिंग पॉइंट इसका यह दे दिया है, जैसे स्टार्टिंग पॉइंट ये दे दिया है, अब देखिए एंडिंग पॉइंट ऊपर की तरफ दे दिया, तो ऊपर की तरफ मेरा एक्सट्रूड हो चुका है। आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा यहाँ पर किस तरह से एक्सट्रूड करना है। फिर उसके बाद फिर से REC एंटर करता हूँ, रेक्टेंगल बना देता हूँ यहाँ पर, और इस बार रेक्टेंगल की जगह सर्कल बना देते हैं, सिंपल सा। देखिए यहाँ पर सर्कल कमांड का यूज किया, सर्कल कमांड के थ्रू यहाँ पे मैंने क्या किया, सर्कल बना दिया यहाँ पर सिंपल सा,
और सर्कल बना दिया। ओके, अब जरा बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एक्सट्रूड कमांड के अंदर क्या है। देखिए ईएक्सटी एंटर किया यहाँ पर, ईएक्सटी एंटर करने के बाद यहाँ पर सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट करना है, तो मैंने सिंपल सा यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब देखिए बात की जाए यहाँ पर डायरेक्शन के बारे में सीखा हमने यहाँ पर, अब बात करते हैं यहाँ पर टेपर एंगल के बारे में, फिर समझेंगे यहाँ पर पाथ के बारे में। ठीक है, टेपर एंगल का मतलब बात बताना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए जब हमने यहाँ पर पिरामिड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो पिरामिड ऑब्जेक्ट या फिर मैं बात करूं यहाँ पर जब हमने रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट के बारे में, बॉक्स ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, या फिर हमने पिरामिड ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, या फिर मैं बात करूं सिलेंडर ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, तब हम क्या कर रहे थे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हम यहाँ पर फ्रस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे थे। फ्रस्टम ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर कि आपके पास जो ऊपर वाला जो यहाँ पर शेप होता है, या फिर आपके पास डाउनवर्ड जो शेप्स होती है उसके यहाँ पर आप कुछ एंगल्स के अंदर शेप कर रहे थे, मतलब आपके पास उसे ट्रिम कर रहे थे या फिर आप उसे यहाँ पर एंगल दे रहे थे। क्लियर? तो उसी तरीके से यहाँ पर ट्रैपर एंगल भी वर्क करता है। ट्रैपर एंगल भी आपके पास क्या करता है कि आपके पास जो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे यहाँ पर मैं सिलेंडर बना रहा हूँ, इस सिलेंडर को शेप देनी है मुझे यहाँ पर ग्लास के शेप में, यस सिलेंडर को ग्लास के शेप में देनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ट्रैपर एंगल का यूज करूंगा। देखिए ट्रैपर एंगल का यूज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टी एंटर करना पड़ेगा। टी एंटर करने के बाद अब देखिए मुझे यहाँ पर एंगल देना है, सिंपल सा जितना मुझे एंगल देना है मैं उतना एंगल दे सकता हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर देखिए सिंपल सा अभी जैसे एंगल मैं बढ़ाता जा रहा हूँ, कम करता जा रहा हूँ, तो उतना एंगल कम हो रहा है अकॉर्डिंग टू ग्लास के अनुसार। देखिए यहाँ पर तो इसका एंगल देखिए मैं यहाँ पर 27 फिक्स कर देता हूँ। 27 फिक्स करने के बाद अब मुझे यहाँ पर इसकी हाइट देनी है, तो मैं यहाँ पर इसकी हाइट दे सकता हूँ। ओके, यहाँ तक मैंने इसकी हाइट दे दी और एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो इस तरह से मेरे को जो ऊपर वाला जो ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर इसका टॉप व्यू देखेंगे, तो टॉप व्यू के अंदर देखने पर मुझे क्या दिखेगा यहाँ पर कि आपके पास जो ऊपर से ऑब्जेक्ट दिखेगा वो यहाँ पर क्या दिखेगा, थोड़ा सा छोटा दिखने को मिलेगा। आई होप सो क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे वर्क करता है टैपर एंगल। क्लियर? अब जरा बात करते हैं यहाँ पे पाथ के बारे में कि पाथ किस तरह से वर्क करता है यहाँ पर। ओके, देखिए बात करते हैं यहाँ पर पाथ के बारे में कि पाथ किस तरह से वर्क करता है। तो सिंपल सा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रेक्टेंगल का यूज करूंगा, आरईसी यहाँ पर एंटर करता है, आरईसी एंटर किया यहाँ पर। आरईसी एंटर करने के बाद अब जरा यहाँ पर बात करते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, अब यहाँ पर देखिए मैं एक पाथ देने वाला हूँ स्पेसिफाई लाइन से, तो एसपी लाइन यूज करूंगा, एसपी लाइन यूज करूंगा यहाँ पर। एसपी लाइन यूज करते हुए मैं यहाँ पर एक पाथ दूंगा यहाँ पर सिंपल सा, तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा मैं एक पाथ देने वाला हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ से एक पाथ ड्रॉ किया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैंने एक पाथ ड्रॉ कर दिया। अभी देखिए ये जो पाथ हो रहा है आपके पास उसी प्लेन में हो रहा है, बट हमें यहाँ पर देखिए इसके पाथ को यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं सिंपल सा पाथ को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पाथ को यूज चेंज करूंगा, एसपी लाइन को यूज करूंगा, एसपी लाइन को यूज करते हुए अब देखिए मैं इसको यहाँ पे पाथ को स्टार्ट करूंगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पे पाथ को स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने यहाँ पर पाथ दे दिया, सिंपल सा एंटर प्रेस कर दिया। ओके, तो ये मेरा पाथ हो चुका है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो हमने पाथ दिया है, इस पाथ के अलावा यहाँ पर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर एक्सट्रूड होना चाहिए। तो सिंपल सा मैं यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का यूज करूंगा, एक्सटी एंटर किया यहाँ पर। एक्सटी एंटर करने के बाद मुझे यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ से पूछा जा रहा है कि डायरेक्शन, पाथ या टेपर एंगल, तो मैं सिंपल सा यहाँ पर पाथ के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा कि पाथ के यहाँ पर किस तरह से एक्सट्रूड करना है यहाँ पर। तो सिंपल सा देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और हमने एक पाथ को चूज कर रखा है, तो यहाँ पर सिंपल सा मैं एक्सटी एंटर करूंगा यहाँ पर। एक्सटी एंटर करने के बाद देखिए हमारे पास जो पाथ है, इस पाथ के बारे में हमारा जरूरत ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि हमारे पास जो प्लेन है यहाँ पे, जो हमने जो ऑब्जेक्ट बना रखा है, जो हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल बना हुआ है, वो हमारे पास क्या है यहाँ पर एक्स वाई प्लेन के अंदर है, और जो मैंने पाथ लिया है वो यहाँ पर जेड एक्सिस प्लेन के अंदर है। इस चीज का ध्यान रखिएगा, यदि आपके पास प्लेन सेम हो जाता है, यदि आपके पास पाथ का प्लेन सेम हो जाता है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो आपके पास नहीं बनेगा, आपके पास जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर नहीं बनेगा। तो इसलिए आप यहाँ पर पाथ का जरा ध्यान रखिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर प्रीवियस वाले में देखा आपने कि यहाँ पर जो पाथ था वो यहाँ पर क्या था, सेम प्लेन का था, इस वजह से आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा था। यदि आपके पास पाथ यहाँ पर सेम प्लेन में होगा तब यहाँ पर एक्सट्रूड नहीं होगा, आपका जो पाथ होगा वो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, अपोजिट यहाँ पर एक्सिस के अंदर होगा, तभी यहाँ पे वर्क करेगा। जैसे कि यहाँ पर आप जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो पाथ देख रहे हैं वो आपके पास क्या है, जैसे कि जेड एक्सिस के अंदर आपके पास पाथ है और आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। अब आप यहाँ पर सिंपल सा आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, उसके बाद देखिए बात करते हैं यहाँ पर पाथ के लिए। तो पाथ के लिए मुझे पी एंटर करना है, पी एंटर करने के बाद आपके पास जो भी पाथ है उस पाथ को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सट्रूड हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। क्लियर? आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा किस तरह से यहाँ पे वर्किंग करना है और किस तरह से यहाँ पर वर्क किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हो चुका है, पाथ के बारे में एक बार फिर से समझा देते हैं यहाँ पर सिंपल सा। देखिए पाथ के बारे में समझने के लिए आपके पास सिंपल सा क्या करना है, अगर जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगल बना रखा है, एक काम करते हैं यहाँ पर इलिप्स बना लेते हैं। इलिप्स बनाया मैंने यहाँ पर, ओके, इलिप्स के लिए यहाँ पर मैंने सेंटर दे दिया है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास जो भी एक्सेस देनी है वो आपके एक्सेस दे दीजिए, और जिस तरह से आपको इलिप्स बनाना है उस तरह से आपके पास जो इलिप्स है वो यहाँ पर आप इसे ड्रॉ कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ F8 का यूज करते हुए, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर दे देते हैं सिंपल सा। ओके, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे दे दिया। ओके, अब यहाँ पे मुझे सिंपल सा पाथ देना है, तो मैं जिस पाथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाना चाहता हूँ उस पाथ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं।
तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एसपी लाइन का यहाँ पे यूज करते हैं, एसपी लाइन का यूज करते हुए इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ से मैं एक पाथ को डायरेक्शन को दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर क्या करो, सिंपल सा एक पाथ को डायरेक्शन को दे रहे हैं। किस तरह से दे रहे हैं आप जरा देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, ओके, और एंटर प्रेस कर दिया, सिंपल सा। अब जरा देखिए यहाँ पर देखते हैं इसका जो प्लेन है वो दोनों आपके पास क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्लेन आपके पास कुछ और है और आपके पास जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स है वो यहाँ पर कुछ और है। सिंपल सा मैंने एक्सट्रूड कमांड का यूज किया, एक्सट्रूड के लिए एक्सटी एंटर करना है। एक्सटी एंटर करने के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद सिंपल सा यहाँ पर एंटर करना है। फिर उसके बाद आपको जो पाथ है वो पाथ दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर पी एंटर कर लिया यहाँ पर सिंपल सा। तो पी एंटर करने के बाद पाथ स्टार्ट हो चुका है। पाथ स्टार्ट करने के बाद जो भी आपका पाथ है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए अभी जो आपके पास पाथ है वो यहाँ पर आई होप सो सेम प्लेन के अंदर नहीं है, इस वजह से आपके पास यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपके पास नॉट सिलेक्टेड आ रहा है। लेकिन यदि आपका पास जो पाथ है वो यहाँ पर सेम प्लेन के अंदर, अपोजिट प्लेन के अंदर होगा, तभी आपके पास यहाँ पर क्या होगा, वर्क करेगा। इस चीज का जरा ध्यान रखिएगा, एक्सट्रूड कमांड के अंदर पाथ वर्क आपके पास तभी करता है जब आपके पास प्लेन आपके पास दोनों का सेम नहीं होना चाहिए। आपका जो पाथ है उसका प्लेन प्लस यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसका प्लेन आपके पास सेम नहीं होना चाहिए। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का वर्क किया जाता है और किस तरह से यहाँ पे पाथ का यूज किया जा सकता है और किस तरह से आप किसी भी आपके पास 2D ऑब्जेक्ट है, यस बेसिकली बात की जाए, एक्सट्रूड कमांड का यूज जो आपके पास होता है वो यहाँ पर किसी भी 2D ऑब्जेक्ट के अंदर 3D ऑब्जेक्ट के अंदर क्लिक करने कन्वर्ट करने के लिए होता है। जैसे कि बात की जाए यहाँ पर आपके पास कोई भी 2D ऑब्जेक्ट बनाइए आप, जैसे यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर सिंपल सा सर्कल यूज करता हूँ, यस सर्कल का यूज किया। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल का यूज कर लेते हैं, सिंपल सा रेक्टेंगल का यूज करके यहाँ पर सिंपल सा एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद एंटर प्रेस किया, एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया है, जैसे कि यहाँ पर फिर से एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ओके, अब यहाँ पे सिंपल सा देखिए ट्रिम कमांड का यूज करते हैं, TR एंटर करते हैं। TR एंटर करने के बाद ट्रिम कमांड इस्तेमाल हो चुके हैं और इसके बाद जो जो आपके पास ट्रिम करना है वो आप यहाँ पर ट्रिम कर लीजिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर इसको ट्रिम करना है, इसके बाद करूँ यहाँ पर ये ट्रिम करना है, उसके बाद बात करें ये ट्रिम हमें करना है, बेसिकली बात करें तो ये भी हमें ट्रिम करना है और ये बात करें तो ये भी हमें ट्रिम करना है और सिंपल सा ये भी ट्रिम करना है और ये भी ट्रिम करना है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर ट्रिम करना है। तो आई होप सो यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा किस तरह से यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का यूज करना है और किस तरह से यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का वर्क करना है। सिंपल सा यहाँ पर एक्सटी एंटर कर सकते हैं और एक्सटी एंटर करने के बाद यहाँ पर एक्सट्रूड कमांड का आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं और किसी भी आपके पास जो 2D ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर 3D ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप सो क्लियर हो चुका होगा यहाँ पर। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।